पोको ब्रांड जाना जाते हैं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स के लिए, मदरबोर्ड इसी को साइड में रखते हुए। एनीवे, पिछले साल जो पोको X5 प्रो था एक बहुत ही बेहतरीन फोन था, और इस साल पोको ने लॉन्च कर चुका है पोको X6 प्रो। तो क्या पोको ने पिछले साल का लेजेंडरी को बरकरार रख पाएगा? चलिए देख लेते हैं। अगर देखने के बाद चले जाए तो पहले डिजाइन को चेक करते हैं। इस बार पोको का डिजाइन बहुत ही चेंज हो चुका है, मतलब पोको X5 प्रो का डिजाइन और पोको X6 प्रो का डिजाइन बिल्कुल अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पोको X6 प्रो का डिजाइन अच्छा नहीं है। पोको X6 प्रो का जो बैक पैनल है वो आपको दो ऑप्शन में देखने को मिलेगा। एक तो हो गया आपका नॉर्मल प्लास्टिक, और जो दूसरा है वो है वीगन लेदर। ऑब्वियसली वीगन लेदर के साथ ये अच्छा दिखता है। एनीवे, पोको X6 प्रो का जो येलो कलर है वो एक आइकॉनिक कलर है, और येलो कलर आपको वीगन लेदर के साथ देखने को मिलेगा। ये फोन कोई हेवी फोन भी नहीं है। इस फोन का वेट सिर्फ 187 ग्राम ही है, तो हाथ में लेने से बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। और इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले का जो प्रोटेक्शन है वो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है। ये फोन IP54 सर्टिफाइड है, जो कि एक अपग्रेड है पोको X5 प्रो की तुलना में, जो कि IP53 के साथ आता था। इस फोन के साथ आपको 6.67 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ 120Hz का एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा। और इसका जो कलर बहुत ही बेहतरीन है, 12-bit डिस्प्ले है ये। ये HDR10+ को भी सपोर्ट करता है, साथ ही साथ डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। और ये सब चीज मतलब HDR आपको नेटफ्लिक्स में भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो कंटेंट देखने के लिए इसका डिस्प्ले कमाल का है। और इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो है 1800 nits, और इसका सस्टेनेबल ब्राइटनेस 1200 nits, जो कि बहुत ही डिसेंट नंबर है। और फाइनली पोको के किसी फोन में आपको देखने को मिल रहा है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ, पहले जो पोको X5 प्रो आता था उसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता था, और इसमें आपको देखने को मिल रहा है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और कंटेंट देखने के लिए सिर्फ से डिस्प्ले से काम नहीं चलता, उसके साथ चाहिए होता है एक प्रॉपर स्टीरियो स्पीकर, और इसमें आपको प्रॉपर स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता भी है। और जो स्टीरियो स्पीकर है वो डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है, और इसका जो टॉप फायरिंग स्पीकर है वो डेडिकेटेड टॉप फायरिंग स्पीकर है। वो ईयरपीस का जो टॉप फायरिंग स्पीकर आता है वो वाला नहीं, तो जो स्टीरियो सेपरेशन है वो बहुत बेहतरीन सुनने को मिलता है। और परफॉर्मेंस को कैसे साइड में छोड़ सकते हैं, पोको फोन जाना जाता है बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। और इसमें आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा चिपसेट, जो कि एक 4 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है, जिसका परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है। आप खुद ही इसका बेंचमार्क देख लीजिए, अंतुतु में 1.4 मिलियन स्कोर करता है, जस्ट क्रेजी। जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको बता दूं, जो पोको X5 प्रो था उसका अंतुतु स्कोर आपको 5 to 6 लाख के आसपास मिलता था, तो ये डबल से भी ज़्यादा है। इतना बड़ा अपडेट। सिर्फ यही तक नहीं, इसका जो रैम है वो है LPDDR5X रैम, और इसका स्टोरेज है वो भी है UFS 4.0, वो भी इस प्राइस रेंज में, जो कि माइंड ब्लोइंग है। बाय द वे, ये आपको 8+256GB या फिर 12+512GB के साथ देखने को मिलेगा। अगर कंपनी ने इतना बड़ा फुल प्रोसेसर दिया है तो आप सोच रहे होंगे कि कंपनी इसका हीट को कैसे मैनेज किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी ने प्रोवाइड किया है 5000 स्क्वायर एम का वेपर चेम्बर कूलिंग सिस्टम, जिस वजह से इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाता है। एनीवे, आप तो फिर भी विंटर सीजन चल रहा है, ऐसे भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाएगा, समर में इसका असली रंग देखने को मिलेगा। इसका हीटिंग को और भी बेहतर तरीके से चेक करने के लिए मैंने इसमें CPU-13 टेस्ट भी रन किया था, जहाँ पर 82% का स्टेबिलिटी स्कोर आया है, और इसका जो ग्राफ था टोटली ग्रीन आया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और अगर परफॉर्मेंस के बाद चालू है तो BGMI को कैसे छोड़ सकते हैं भाई। BGMI में आपको 90fps का सपोर्ट देखने को मिलता है, और 90fps में आपको बहुत स्मूथ गेम प्ले देखने को मिलता है, मतलब इसका जो फ्रेम रेट ग्राफ है बहुत ही फ्लैट आता है। इसमें कॉन्स्टेंट 90fps आपको देखने को मिलता है, और आधा घंटा गेम खेलने के बाद भी इसका टेम्परेचर सिर्फ 36 डिग्री तक गया है, जो कि बहुत बेहतरीन नंबर है। डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा की परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 8+Gen1 से भी ज़्यादा है। इसका परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 8+Gen1 और 8Gen2 के बीच में आता है, जो कि बहुत ही क्रेजी नंबर है, स्पेशली इस प्राइस रेंज में। वैसे इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 देखने को मिलता है विथ न्यू एंड लेटेस्ट HyperOS, और कंपनी ने प्रॉमिस किया कि इसमें आपको 3 ईयर के एंड्रॉइड अपडेट एंड 4 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी इसमें बहुत से ब्लोटर्स देखने को मिलता है, हाँ आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। मैंने बताया था इस फोन का वेट सिर्फ 187 ग्राम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी कंपनी छोटा कोई डाल दिया है। इसमें आपको 5000mAh का बैटरी भी देखने को मिलता है, जिसका बैटरी बैकअप बहुत ही डिसेंट है, और बॉक्स में 67W का चार्जर भी देखने को मिलता है, जिससे ये फोन 0 to 100% चार्ज लगभग 30 to 40 मिनट्स में हो जाता है। और कनेक्टिविटी में आपको 14 5G बैंड देखने को मिलता है, तब कहीं भी क्यों ना चला जाए 5G नेटवर्क रिलेटेड कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगा। वैसे इस फोन में वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.4 देखने को मिलता है, और एक शाओमी का फोन है तो ऑब्वियसली IR10 भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इस फोन में NFC का भी सपोर्ट है। और अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात किया जाए तो इसमें आपको देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पर जो प्राइमरी लेंस है वो है 64MP का एक सेंसर, जहाँ पर आपका OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, और जो सेकेंड सेंसर है वो है 8MP का अल्ट्रा वाइड, और जो थर्ड सेंसर है वो है वही
टू मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा जिसको कोई नहीं पूछता फिर भी कंपनी देता है। एनीवे अगर कैमरा परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो इसमें भी वही इशू है जो कि हर एक गेमिंग फोन में देखने को मिलता है। मतलब इस फोन का भी कैमरा आउटपुट इतना भी ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही एवरेज सा कैमरा है इसका। मतलब इसका जो आउटपुट है कैमरा आउटपुट बहुत ही एवरेज से देखने को मिलता है। डे लाइट में तो फिर भी आपका काम कर देगा, मतलब इसका जो शार्पनेस है या फिर डिटेल्स है ठीक ठाक देखने को मिल जाता है डे लाइट में। जब भी नाइट टाइम आता है तभी इसका असली रंग देखने को मिलता है। मतलब इसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ही बिलो एवरेज आप कह सकते हैं, क्योंकि इस पैसे में जो दूसरे स्मार्टफोन है उसका कैमरा इससे तो बेहतर ही है। वैसे इस फोन का रियर कैमरा से आप 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट फेसिंग कैमरा से 1080p 30 या फिर 60fps तक, जो कि एक 16 MP का शूटर है। वैसे इस फोन का फ्रंट फेसिंग कैमरा डिसेंट है, उसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग में इस फोन में आपको HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट में लगभग 27,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा और बैंक ऑफर लगाने पर ये फोन आपको मिल सकता है 25,000 के अंदर, जो कि क्रेजी डील है। इस प्राइसिंग में और दूसरा कोई फोन नहीं है जो इस फोन को कम्पीट कर सकता है। तो यही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि ये फोन आपको कैसा लगा और साथ ही साथ अपने का मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं उसके नोटिफिकेशन जल्द से मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।